के सामने यामाहा RX 100, बाकी का सामान पूरा ये है और टायर पूरा है और ये ऑटो में लेकर आए हैं, ये भाई हैं और ये पूरी गाड़ी को लूज करके पुणे से भोपाल ले आए हैं, महाराष्ट्र पूना। बाकी मैं अभी खोल के पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपको लेता हूँ साथ में। ये शायद इंजन है गाड़ी का और बाकी का पार्ट्स यहाँ है सामने आपके, वो बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। भाई ऑटो में रख के लाए गाड़ी महाराष्ट्र पुणे से, और आपने अक्सर देखा होगा हमारे इधर गाड़ियाँ आती हैं बहुत अलग अलग अजीब अजीब तरीके से आती हैं, तो ये भी तरीका इस बार का कुछ अलग है। कल ही आपके भाई ने ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ खोल के ढेर लगा दी है, 4 से 5 गाड़ियाँ हैं यामा और उसके अलावा दूसरी भी है, और बाकी भाई की भी गाड़ी अब शॉप में आ चुकी है, तो खोल के दिखा रहा हूँ क्या लेकर आए। अभी तक गाड़ी जैसे आपने देखा होगा कभी बैग में आ रही है, तो कभी कार में आ रही है, कभी कैसे। और ये जो भाई हैं इन्होंने देखो ये जूते के डब्बे में बाकी का सामान रखा है, उसके बाद झोले में इंजन रखा हुआ है, बाकी ये ओपन हो रही है बोरी, इसमें देखते हैं क्या क्या है। पूरी गाड़ी भाई ने लूज़ कर ली है। अच्छा ये गाड़ी आपने खुद ही खोली या किसी ने खोली थी? मेरा दोस्त है इरफान करके। अच्छा, इरफान भाई ने खोली है। चलो अच्छे से खोली है गाड़ी, वो देख रहा है मतलब जो फिटर होगा ना वही ऐसे गाड़ी खोलेगा, बाकी हर किसी के बस का नहीं है। जो सामान नहीं लगता ना वो मत लेके जाओ बोला। हाँ सही कह रहा, हाँ सही बात है, सही बात है। फिर भी मैं लेने क्या नहीं, जो जरूरत का है वो रखते हैं, बाकी तो सब हटाना ही है, वो वहाँ भी फेंकते हैं यहाँ भी फेंकते, कोई इशू नहीं है। बाकी देखा ना बेटा, हाँ फिल्टर हटा दो, क्लच कवर मैग्नेट कवर हटा दो गाड़ी के, बाकी ये जनरल पार्ट्स है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि लोग अक्सर पार्ट नंबर जो है देखते हैं, ये देखिए आगे राजदूत लिखा है और पीछे लिखा है 1L1, तो इसका मतलब हो गया ये गाड़ी आपकी 90 के आसपास का मॉडल है ना। ये जेपनीज गाड़ियाँ होती थी, 95 के बाद जो गाड़ी है वो मेड इन इंडिया है। हाँ बाकी अब अपन दूसरी बोरी ओपन कर रहे हैं, उसमें देखते हैं। पुणे से आप कब निकले थे? मैं कल 3:30 बजे निकला था। अच्छा 3:30 बजे निकले वोल्वो से, तो सीधे पुणे से वोल्वो भोपाल के लिए मिल गई होगी आपको? नहीं मैं वो कौन सा इंदौर, इंदौर। अच्छा इंदौर से इधर बदली, मतलब पुणे से इंदौर और इंदौर से भोपाल। ओके टिकट एक ही है। अच्छा हाँ वो होता है, होता है वो तो, एक्चुअल में क्या लाइन चेंज होती है ना उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम निंगप्पा है। अच्छा निंगप्पा, मैं कर्नाटक में हूँ प्रॉपर। हाँ मैं पुणे में रहने का। अच्छा पुणे में आपकी जॉब होगी? हाँ मैं टेलर हूँ, लेडीज टेलर। ओके मतलब सबसे ज़बरदस्त काम है आपका। 20 साल हो गए। कितने साल? 20 साल। 20 साल से पुणे में? पुणे में हाँ। तो कर्नाटक में किस जगह से आप? मैं कर्नाटक बाउंड्री पे रहने को। अच्छा ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का थी? सोलापुर मालूम है। हाँ सोलापुर, सोलापुर, कोल्हापुर, बुल्ढाणा, श्रीरामपुर, उसके बाद पुणे, पुणे के बाद मुंबई, मुंबई के बाद आपके इधर जो और भी कई जगह है, नगर है ना, वहाँ पे हर जगह अपन ने गाड़ियाँ पहले भी दी हैं। और आपकी गाड़ी के बारे में मैं अभी बताना शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे एक बात क्लियर हो रही है कि सामान बहुत शानदार है आपकी गाड़ी का और ये उसी हिसाब से बनेगी। कितने के लिए? 28,000। वहीं लोकल से ही लिए? हाँ। पुणे नंबर है? नहीं ये मुंबई, मतलब 0M04। एक तो ये तो शायद वहाँ का है ना, आपका क्या नाम है आपका? मुंबई में चर्च गेट नहीं, जैसे कि 04 जो आता है वहाँ का, वो थाने का आता है, ऐसे 4-5-6 RTO लगते हैं वहाँ के, अलग 5 RTO लगते हैं, पता है मुझे क्योंकि पहले भी वहाँ से गाड़ियाँ आई हैं सारी। बाकी भाई की गाड़ी का इंजन भी आपकी नज़रों के सामने ओपन हो रहा है, तो पूरा इंजन खाली करके लाने, खुला करके लाने वाला था, वो बोला प्लग पिस्टन को दिखाना। नहीं नहीं, अगर आप इंजन खोल देते ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में मिलने में दिक्कत आती है, तो अच्छा किया आपने, बाकी गाड़ी चलता है वो सामान अवेलेबल हो जाता है, इंजन का मेन खेल है। यामा में इंजन में दम नहीं तो यामा बेकार है। सो गाइज आपकी नज़रों के सामने एक और नायाब नगीना, और ये जो भाई लेकर आए हैं ये अशर्फियों की तरह आपके सामने जो बिखरी हुई गाड़ी है ये पूरी आप देख लीजिए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यामा की दीवानगी किस हद तक लोगों में होती है। अभी जैसा कि इन्होंने बताया, ताज़े कुछ दिन पहले ये गाड़ी परचेस करी है इन्होंने, रहने वाले कर्नाटका के पुणे के अंदर, इनका 20 साल से अच्छा खासा एक बुटीक है, और उसके अलावा यामा देखो भोपाल तक ले आई इनको। और अच्छा एक बात बता, यामा का शौक अचानक या पहले से? वो कैसे मालूम है क्या, हमारे एक दोस्त है हाँ। उन्होंने मुझे, मैं उनके पास जाता था, मुझे भी यामा का शौक था हाँ। उनका भी गैरेज है। अच्छा वो मुझे एक बार गाड़ी नहीं दिया हाँ। इसलिए मैं पुणे से 3 साल से गाड़ी ढूंढ रहा था। मतलब ईगो प्रॉब्लम? हाँ ईगो।
मतलब अपन को यामा ऐसा कुछ नहीं था, बस वो दिमाग में बैठ गई कि मैंने मांगी और उन्होंने मुझे नहीं दी, तो अब तो मैं लूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं आपको बताऊँ कि आदमी जो काम जिद में कर लेता है ना, वो चाह कर नहीं कर सकता। क्योंकि आपने अगर सोचा कि यार मुझे ये लेना है, तो आप मेहनत करते रहोगे, नहीं ले पाओगे, बहुत प्रॉब्लमें आती हैं। लेकिन जब जिद पकड़ लेना, तो फिर तो वो ये समझ लेना कि हिमालय पे भी चढ़ जाएगा। हमारे एक फारूक भाई करके हैं, वो बोले थे 50-60 हज़ार रुपये में चीज़ें मिलता, मैं लेके देता। अच्छा, वो हमारे 16-15 लेने के थे। हाँ, चंदर बात करते करके उन्होंने 60 हज़ार रुपये में मिलता बोला थे। मैं क्या बोला, मैं आपका 2 साल पहले वीडियो देखा था। हाँ, 2 साल पहले वीडियो देखा था, उसलिए मैं आप बोला गरीब सेकेंड हैंड लेके उधर ही बनाने के। तो कोई इशू नहीं है, अभी आप यहाँ है, दिन भर आराम से मेरे साथ रहोगे, आज आप खाना भी मेरे साथ ही खाओगे, और अपन अपनी गाड़ी पे भी डिस्कस करते हैं अपन को कैसे क्या रेडी करना है। और भाई की ये देखिए अमानत आपकी नज़रों के सामने है। सबसे पहले तो बता दूं कि चेचिस की कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरे पीस लगे हुए हैं गाड़ी, मतलब सही बात है, ये बनाने की कंडीशन में है, इसको बनाए बिना तो ये यूज़ भी नहीं कर पाते। बाकी जैसे चेचिस ले आए, ये अच्छी बात है, आगे पीछे के हब ले आए, ये भी ज़रूरत की चीज़ है। उसके बाद इंजन आपके सामने है, 1L1 की सीरीज़ है गाड़ी की, 95 मॉडल है। और अगर ये 96 होती तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जगह है यहाँ पे 1L1 जो लिखा है, ये 100 की पहचान है, और 1L2 का मतलब होता है 12 वोल्ट RX 100, और 1L5 का मतलब होता है 135। और इसी में अगर 1L3 की बात करोगे तो 1L3 जो गाड़ी होती है वो होती है RXZ, ठीक है, और 1L6 होती है टाइगर मॉडल, 1L7 होती है 5 स्पीड, ठीक है। इतनी जानकारी मैंने RX 100 के बारे में आप लोगों को इसलिए दी है कि कभी भी आप कोई गाड़ी खरीदें तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी हम जो ले रहे हैं वो एक्चुअल में है कौन सी, है ना। क्योंकि हमें बोला जाता है यामा 100 है, लेकिन आपको 135 दे दी जाती है। 100 क्या होती है, 135 क्या होती है, वो पार्ट नंबर से चलती है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा गाड़ी का, और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो जो आपकी नज़रों के सामने आएगा वो यामा के साथ साथ राजदूत का भी होगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए।